अच्छा हाँ, मैं हूँ नसरी और मैं आपको बनाने जा रही हूँ मलाई से घी और मक्खन। और ये जो है हमने मलाई जो ली है ये फ्रीज़र में रखी थी, और ये करीब हमारी मलाई है 5 से 6 दिन की है, और ये 2 घंटे पहले हमने फ्रीज़र में से निकाल के रख ली थी, तो ये जम जाती है ना, तो ये इस तरीके से अब हो गया है इसका। अब मैं इसे जो बनाऊंगी तो ग्राइंडर जो है मिक्सर से बनाऊंगी मैं, तो मिक्सर का इसका यूज़ करूंगी इसको, तो इससे हमें आसानी से वो हो जाएगा मिक्स। चालू हुई, इसे 2 से 3 मिनट इसे फिर बीच में खोल के देखना है कि कैसा है। ये अभी इस तरीके से क्रीम इसका ऐसा हो गया है, अभी निकली है हमारी। अभी इसे एक बार चलाना, इसे जब भी मतलब बनाए तो इसे वो नीचे से ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ये देखिए हमारा ये जो है ये मक्खन इसमें आने ही लगा है, लेकिन अभी हम एक बार और इसे चलाते हैं। ये देखिए ये हमारा मक्खन जो है ये रेडी हो गया है, और इसे जो है जैसे जैसे हम इसको डालते रहे ना, इसमें गर्मी में जो है इसमें जरा थोड़ी सी बर्फ की क्यों पड़ेगी, और सर्दियों में तो थोड़ा गुनगुना ही पानी से ही सेट हो जाता है। ये हमारा पूरा मक्खन तैयार हो गया जो हमने इसमें कर लिया है सारा, ये निकाल लिया है इसे। इसे थोड़ा आसानी से हो गया, हाथ से देर लगती है, और हम इसे ऐसे सेट करते चले आएंगे ये निकलता चला जाएगा। देखिए थोड़ा हाथ से भी करना है, थोड़ा सा ऐसे। हाँ, इसे मैंने फेंट लिया था और अच्छी तरीके से, और ये इसमें जो है पानी भी निकल रहा है, और ये मेरा मक्खन पूरा तैयार हो गया, रेडी मक्खन हो गया है। इसे मलाई थोड़ी सी थी, मक्खन देखिए कितना ढेर सारा है, इतना सा मक्खन। और ये इसे मैं थोड़ा सा पानी चल पानी से ही इसे मैं धोऊंगी, इसे धो देती हूँ। ये देखिए धो दिया है मैंने इसको अच्छी तरीके से, ये हो गया है ये हमारा पूरा, कि देखिए कितना बड़ा सा ये बन के आया है, ये मक्खन हो गया। इसे आप चाहे मक्खन बनाना चाहें तो मक्खन बनाने के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन ये 1 हफ्ता चलता है ये वाला वाइट मक्खन। इसमें आप नमक मिला के और सेट करके रख दें तो ये मक्खन बन जाएगा, लेकिन हमें जो है इससे घी निकालना है। घी निकालेंगे तो वो 1 से 2 महीने रखें आप, तब भी वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन मक्खन जो है, अगर मक्खन निकालना चाहें तो मक्खन बनाने के लिए बस ये है कि 1 हफ्ता मक्खन चलता है ये वाला। ऐसे मक्खन सेट कर दीजिए, ये वाला जो होता है ये हमारा ओरिजिनल मक्खन है। अब ये मक्खन को मैंने भगोने में रख दिया है, ये जो है सब। अब इसे मैं चूल्हे पे रख के इसे थोड़ी आंच तेज रखूंगी शुरू में, इसे पकाना शुरू कर दिया। फ्लेम जो है थोड़ा हाई है, और इसमें बस ये देखिए मेरा मक्खन जो है ये पिघल गया है। और इसे हमें जो है थोड़ी धीमी आंच पे इसे पकाना है, अभी 5 मिनट तक ये पकेगा। 5 मिनट के अंदर ही इसके अंदर से जो है घी निकलना शुरू हो जाएगा। देखो ये मेरा घी निकल चुका है, खूब ढेर सारा घी है, थोड़ी सी मलाई थी 4 दिन की वाली मलाई, और ये इतना घी निकल रहा है इसमें।
और इसमें मेरा ये एक मावा टाइप का भी बन गया, ये देखिए मावा बनेगा, पूरा मावा दिखा हो जाता है। अब मैंने ये एक चन्नी ली है, चन्नी जो है ये स्टील की होना चाहिए क्योंकि जिससे जो है ये कोई प्लास्टिक की लेंगे तो पिघल जाएगी, स्टील की ही चन्नी से ही हम इसे सेट करेंगे। ये देखिए ये हमारा घी निकल रहा है, कितना ढेर सारा है। मलाई सिर्फ 4 दिन की है, इसमें घी ज़्यादा है। ये मावा निकल गया मलाई का, ये भी बहुत अच्छा सा निकल आता है। ये देखिए ये हमारा घी है और अच्छा खासा हो गया ये मेरा, करीब होगा करीब आधा किलो के हिसाब से। और इसके साथ ये देखिए ये मैंने मावा भी बनाया है, ये बिल्कुल ओरिजिनल मावा जो होता है, ये देखिए देखिए ये ऐसे करके, तो बहुत ही अच्छा बिल्कुल ही सॉफ्ट वाला है ये। से आप चाहें तो कोई भी मतलब गुजिया भी बन सकती हैं आराम से इसकी, और मैं बनाती भी हूँ इसी से, और कोई भी मिठाई बना सकती हैं आप आराम से, मिल्क केक वगैरह। और इसका ये जो दूध बचा है इसे आप खौलाइए, और खौलाने के बाद इसमें आधा नींबू थोड़ा सा निचोड़ दीजिए तो इसमें पनीर निकल आएगा, इसे ये भी आपका ख़राब नहीं होगा, इसे पनीर निकल आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आइकन बेल पर आप अपना दबाइए, और जिससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी।